नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नारायण। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे एक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही कृषि से जुड़ी जानकारी लगातार आपके सामने लाता रहता हूं। आज हम बात करते हैं दोस्तों हाइड्रोपोनिक विधि के बारे में। इस विधि से भारत के लगभग 70% किसान अनजान है, क्योंकि इस विधि से आप बिना मिट्टी के खेती कर सकते हैं। ये एक सबसे उन्नत खेती में आती है। इसके माध्यम से आप बिना मिट्टी में केवल और केवल पानी में खेती कर सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जो पाइप्स लगे हुए हैं उसमें सब्जियां उगाई हुई हैं। इसके माध्यम से आप बिना मिट्टी में खेती कर सकते हैं। दोस्तों, लगभग भारत के बहुत से किसानों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए हमने जानकारी देने के लिए वीडियो बनाए हैं। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोपोनिक विधि को। इसको हाइड्रोपोनिक विधि कहते हैं। इसमें पोषक तत्व और सभी उर्वरक वगैरह सभी पाइप द्वारा ही सप्लाई किए जाते हैं, और इसमें ज़्यादातर टमाटर, मिर्ची, शिमला मिर्च और जो भी सब्जियों की उन्नत खेती की जाती है उसको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। हाइड्रोपोनिक विधि से आप बिना खेत के खेती कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पाइप लगे हुए हैं, उसमें पौधे लगे हुए हैं। इसको लगाने के लिए सबसे पहले आपको एक ट्रेनिंग लेनी होती है। एक ट्रेनिंग लेने के बाद में आप इसकी स्थापना कर सकते हैं, यानी लगा सकते हैं। जो पोषक तत्व वगैरह जो सभी होंगे वो इसकी माध्यम से सब्जियों या जो भी मतलब इसमें सब्जियां लगाना एक बहुत ही फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि जिसके पास कम जमीन होती है या कम पानी होता है वो हाइड्रोपोनिक विधि से बिना मिट्टी के कम पानी में खेती कर सकता है। ये एक ऐसी विधि है जो केवल और केवल कम जगह में या पाइप द्वारा की जाती है। इसमें ये लगभग भारत के अभी उत्तर प्रदेश, मेघालय, नागालैंड इन राज्यों में की जा रही है। सरकार इस पर फोकस कर रही है, क्योंकि जिन एरियों में कम पानी है वहाँ पर इसका चलन किया जा सकता है और इससे एक अच्छी आमदनी प्राप्त की जाती है, क्योंकि न खरपतवार होगा न मिट्टी होगी इस विधि से खेती करे तो। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको पसंद आया हो तो, और लाइक करें, शेयर करें और आगे वीडियो